आजकल हेपेटाइटिस बी नाम की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। हेपेटाइटिस बी जो है एक तरह का वायरस है, जिसको कैसे आप जान सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी है, आपको ये बीमारी है, तो इसका एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया एंटीजन। तो ऑस्ट्रेलिया एंटीजन बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है, HBsAg इसको बोलते हैं। ब्लड से आप टेस्ट करके आप पता लगा सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है कि नहीं है, तो उससे आपको पता चल जाता है। और इसके अलावा एक टेस्ट है, उसको बोलते हैं PCR DNA। तो PCR DNA उसका एक क्वांटिटेटिव टेस्ट है। क्वांटिटेटिव मतलब उसकी संख्या जानने का, कि जो हमारी बॉडी के अंदर वायरस है, जो हेपेटाइटिस बी का वायरस घुस गया है हमारे शरीर में, उसकी संख्या कितनी है। इसकी संख्या जो है अगर वो 20 से ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। कई पेशेंट मेरे पास आते हैं, उसको 50, 100, लाख, 2 लाख, 50 लाख, करोड़। एक पेशेंट आया था, उसकी संख्या लगभग 15 करोड़ के आसपास थी। तो उस संख्या को काबू में करने के लिए आयुर्वेद में हम दवाइयाँ देते हैं, और उससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है। और वो एक जो जिसको मैंने अभी रिसेंटली विदिन 2 महीने के अंदर अंदर उसका 13 करोड़ से जो वायरल लोड था, उस संख्या को वायरल लोड बोला जाता है, 13 करोड़ से वो लगभग 1 लाख के ऊपर आ गया। और इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं वो धीरे धीरे जिनका वायरल लोड जो है वो 20 से नीचे भी आ जाता है और ख़त्म भी हो जाता है। तो उसका PCR DNA, जिस भी हेपेटाइटिस बी पेशेंट का PCR DNA टेस्ट करवाया जाता है, तो रेगुलरली हर 3-3 महीने बाद मैं टेस्ट करवाता हूँ। तो हेपेटाइटिस बी जो रोग है वो फैलता कैसे है? हेपेटाइटिस बी रोग जो है आमतौर पे सुइयों से, जैसे किसी कोई ड्रग एडिक्ट है, एक दूसरे के साथ एडिक्शन से वो सुइयाँ लगा लेते हैं, तो ड्रग्स इंजेक्शन लगाते हैं, उससे फैल जाता है। और दूसरा है कि जो इम्प्रॉपर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी, जैसे एड्स फैलता है वैसे भी फैलता है। कई बार ऐसे होता है कि हेपेटाइटिस बी अपने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ और उस वजह से भी फैल जाता है, और ब्लड डोनेशन की वजह से अगर ठीक ढंग से जो इक्विपमेंट ना हो तो उससे भी ये हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम आती है। और गांव में आमतौर पे मैंने देखा है, जहाँ पे डेवलप्ड कंट्री नहीं है, जैसे हमारे पास बहुत क्वेरीज आती हैं अफ्रीका से या कुछ इस तरह के इलाके जो डेवलप नहीं है, तो वहाँ पे लोग ड्रग एडिक्ट्स तो है ही हैं, परंतु साथ में जो हाइजीनिक डॉक्टर नहीं है, एक के इंजेक्शन दूसरे को इंजेक्शन सेम सुई से लगा देते हैं प्रॉपर। और उसको अभी रिसेंटली बिहार से कोई पेशेंट था, वो कहता कि हमारे यहाँ पे तो वो सेम ही सुई सभी को लगाई जाता है डॉक्टर्स, और कुछ डेंटिस्ट भी हैं जो गली नुक्कड़ में बैठे हैं और कुछ अपने जो उनके इक्विपमेंट्स होते हैं उनको ऑटोक्लेव अच्छे से नहीं करते हैं, उनको साफ नहीं अच्छी तरह से नए इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ करते, सेम एक ही तरह का इक्विपमेंट एक ही तरह से इक्विपमेंट से दांत का प्रोसीजर करते रहते हैं। वो भी एक हेपेटाइटिस बी का कारण है। तो हेपेटाइटिस बी जो है आयुर्वेद में उसके लिए बहुत अच्छी जड़ी बूटियाँ हैं, जिनसे हम हेपेटाइटिस बी का वायरस ख़त्म कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। तो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में भी इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, परंतु इतनी जल्दी जो रिज़ल्ट वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिले, साइड इफ़ेक्ट भी हैं, दवाइयाँ भी बहुत महंगी है। तो इस तरह से आयुर्वेद में जो मैं आमतौर पे काफ़ी वीडियोस में मैंने बताया भी है, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी हैं, इवन हमारा जो मेरे पास जो सिक्योरिटी गार्ड काम करता है जो बाहर जो सिक्योरिटी में, उसका लड़के का भी टेस्टिमोनियल हमने अपलोड किया है, उसका भी वो भी बहुत निराश था। कुछ लड़के ऐसे जो बाहर जाने के लिए वीज़ा इंटरव्यू देते हैं, उस समय उनको पता लगता है उनको हेपेटाइटिस बी है, तो वो बाहर नहीं जा पाते, आउट ऑफ कंट्री इमिग्रेशन के समय पता लगता है, तो वो भी मेरे पास आए, वो भी उनका भी ठीक हुआ और वो अपना बाहर जा सके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो जड़ी बूटी है वो फेलेंथस निरोरी है, इसको भूमि आमला बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी जो है, जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसी की जीवनी में पढ़ रहा था, उसी की जीवनी में इस जड़ी बूटी का भी उल्लेख लिखा हुआ था, कि उसने कहा था कि ये एक जड़ी बूटी है जो हेपेटाइटिस बी का वायरस जो है उसको ये ख़त्म कर सकती है। तो भूमि आमला जो है, जो बरसात के मौसम में मिलता है, बहुत थोड़ी मात्रा में मिलता है, क्योंकि बरसात का मौसम थोड़ा समय के लिए आता है, तो उस समय इसको कलेक्ट करके और उसी समय इसको एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, एक होता है सिंपल जड़ी बूटी पाउडर फॉर्म, इसको
उसका सत्व निकाला जाता है, करीब 100 किलो में से 7-8 किलो या 10 किलो तक उसका सत्व निकलता है, उसको कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है तो जा करके ये मेडिसिन प्रिपेयर होती है। तो ये भूमि अम्ला फलेंथस निरूरी जो साउथ अमेरिका में भी काफ़ी पॉपुलर है, इधर मैक्सिको में या ब्राज़ील में, तो ये स्टोन्स वगैरह को तोड़ने के भी काम आता है। इसको चेंका पेड्रा करके, ये हमारा प्रोडक्ट यूरोप में भी अवेलेबल है, चेंका पेड्रा के नाम से रजिस्टर्ड है वहाँ पे, फलेंथस निरूरी के नाम से ही, तो चेंका पेड्रा इसको बोलते हैं। तो हेपेटाइटिस बी को के वायरस को मारने की क्षमता इसके अंदर भगवान ने डाली हुई है, तो ये हेपेटाइटिस बी को ख़त्म करता है। तो इसी तरह से और भी कुछ कॉम्बिनेशन है जड़ी बूटियों के, ये लिवर डिटॉक्स करके कॉम्बिनेशन है, इसमें कुटकी, पुनर्नवा, कालमेघ, मकोए, कासनी, ब्रिंगराज, इस तरह ब्रिंज, जवुक, हिसना और हरित की, ये सब जड़ी बूटियाँ जो लीवर को साफ़ करती हैं, लीवर के एंजाइम्स को ठीक करती हैं, लीवर को डैमेज होने से बचाती हैं। और ये एकनेशिया करके, इंडियन एकनेशिया है, इंडियन एकनेशिया कालमेघ को बोला जाता है, किंग ऑफ बिटर्स इसको बोलते हैं, इतना कड़वा होता है, इसको खाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए इसका सत्व बना करके कैप्सूल में डाला है। तो एक जो कैप्सूल्स हैं ये भी सारे, इसके कैप्सूल शेल्स जो हैं वो भी नेचुरल हैं, इसके कैप्सूल शेल वो ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर आर पार दिखाई देता है, कोई ऐसा कलर नहीं है, कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। तो इस तरह के ये प्रोडक्ट मैंने डेवलप किए हैं। तो कालमेघ जो है इसको किंग ऑफ बिटर्स बोलते हैं, और फैटी लीवर को, जो और कोई लीवर को डैमेज हो, किसी भी वजह से लीवर ख़राब हो या डैमेज हो रहा हो, शराब की वजह से भी, तो या हेपेटाइटिस बी सी की वजह से लीवर डैमेज हो, तो उसको भी ये ठीक करता है और लीवर डैमेज को प्रिवेंट करता है। और हेपेटाइटिस बी के अलावा और भी लीवर के कोई भी डिसऑर्डर्स हो, फैटी लीवर के अलावा जिसमें अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ भी आता है, उसको ठीक करने के लिए ये यकृत प्लीहांतक चूर्ण है, क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है और लीवर को काफ़ी हद तक डैमेज भी कर रहा होता है, तो इसके लिए आप घबराएं ना। ये कम्बिनेशन जो है एज इट इज़, इसको मैं लीवर केयर पैक के रूप में इसको मैं यूज़ करता हूँ। तो ये चार दवाइयाँ हैं, तो इसमें आप इसमें भी भूमि आंवला पाउडर फॉर्म में है, इसके अंदर 200 ग्राम में से 60 ग्राम भूमि आंवले का पाउडर है, जो कि ऑर्गेनिक और अच्छी क्वालिटी का भूमि आंवला है, और इसको हम डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे और भी लीवर फेलियर के पेशेंट्स के या हेपेटाइटिस बी के पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो मेरे पास पेशेंट आते हैं मेरे क्लिनिक पर मोहाली में, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के आ सकते हैं। तो ये इसलिए आपको मैसेज यही है मेरा कि आप घबराए नहीं, अगर लीवर में ये हेपेटाइटिस बी आपको पॉजिटिव आ गया है बॉडी में, तो आप इसका रेगुलर लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएं, आप इसका अल्ट्रासाउंड करवाएं, आप इसका PCR DNA टेस्ट, जो उसकी संख्या नापने वाला टेस्ट है, वो भी टेस्ट करवाएं, और इस और ऑस्ट्रेलिया एंटीजन HBsAg वाला टेस्ट है, ये सब टेस्ट करवाएं, और करवा के आप इसकी प्रोग्रेस हर 3-3 महीने में आप खुद ही देख सकते हैं कि इसको यूज़ करने के बाद 3-3 महीने में कितनी प्रोग्रेस होती है। तो ये डेफिनेटली आपको खुद ही दिखेगा कि ये काफ़ी फ़र्क पड़ा है और ये ठीक हो जाता है। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इन दवाइयों का, आयुर्वेद की दवाइयों का प्रयोग करें, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।